कांगड़ा संसदीय सीट पर हुए रिकॉर्ड मत पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि जिस तरह से कांगड़ा संसदीय सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है तथा जो अधिक मतदान हुआ है ये सरकार के प्रति हमारी नीतियों के प्रति लोगों ने अपना समर्थन जताया है। कांगड़ा संसदीय सीट पर हुए रिकॉर्ड मतदान पर सांसद शांता कुमार ने कहा कि जिस तरह से कांगड़ा संसदीय सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। वहीं एग्जिट पोल में नतीजों में एनडीए की जीत पर शांता कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से जो नतीजे बता रहे हैं और देश का वातावरण भी है उससे ये लगता है हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ है तो बाकी देश में भी हमारी जीत 2014 के मुकाबले अधिक होगी ऐसा लगता है। वहीं प्रदेश की 4 सीटों पर भी भाजपा विजय प्राप्त करेगी। मुझे लगता है जैसे मतदान रिकॉर्ड हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाली है। ये जो अधिक मतदान हुआ है ये सरकार के प्रति हमारी नीतियों के प्रति लोगों ने अपना समर्थन जताया। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को बहुत मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? निश्चित रूप से नतीजे भी बता रहे हैं और जो देश का वातावरण था उससे भी ये लगता था। देखिए सबसे बड़ी बात ही पहली बार ऐसा है कि हम हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी पार्टी है, हम क्या है लोगों को पता है, हम क्या करेंगे लोगों को पता है, सामने कोई है ही नहीं, किसको बनाओगे प्रधानमंत्री, क्या है आपका प्रोग्राम। हमने भी अटल जी के नेतृत्व में एनडीए बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, 22 पार्टी इकट्ठी मिली थी, चुनाव लड़ा था, जीते थे, 5 साल बढ़िया सरकार बना करके दिखाई थी। आज हमारे सामने है ही कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ है तो बाकी देश में भी हमारी जीत 14 के मुकाबले पर अधिक होगी ऐसा मुझे लगता है। सर प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर एग्जिट पोल भाजपा की जीत दर्शा रहा है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे चारों सीटों पर हम जीतेंगे, चारों सीट मार्जिन कहाँ कितना रहता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हासिल करें।